ये मैंने 4 से 5 गाजर ये ली है मीडियम की, और 3 इसमें आलू हैं जो मैंने छोटे छोटे उसमें कटिंग की है। 2 टमाटर है मीडियम, इनको मैंने चॉप किया हुआ है, और 2 प्याज है, छोटी प्याज है जो मैंने बारीक चॉप की हुई है। 4 से 5 हरी मिर्ची है जो मुझे इसमें डालनी है, और ये कटा हुआ हरा धनिया है। कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था, जो कि अब हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरे की डाल देते हैं, ठीक है, और ये थोड़ी सी हम इसमें इतनी भर हींग डाल देते हैं। इसमें प्याज डाल देते हैं, कटिंग प्याज, ये मैंने 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं, और प्याज थोड़ा सा प्याज को ब्राउन होने तक छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। ये हमारा प्याज देखिए ब्राउन हो चुका है, और अब इसमें टमाटर डालते हैं। टमाटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाना चाहिए हमारा। टमाटर हमारे गल चुके हैं, देखिए बिल्कुल पूरे अच्छे से गल गए। अब इसमें हमें मसाला डालना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये मसाला मैंने लिया है, ये 2 चम्मच छोटी वाली धनिया पाउडर है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, ये आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर है, ये आधी छोटी चम्मच गरम मसाला है, ये 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, और ये आधी छोटी चम्मच किचन की मसाला है, और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी है। मसाले को इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं ताकि हमारा मसाला चले। पक चुका है, अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो ये हम 1.5 छोटी चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं, और इसे मिक्स कर लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। हम अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। इसे हम ढक्कन लगा के हल्की आंच में हमें 10 से 15 मिनट में पकाना है। इसे थोड़ी देर में हम इसे चेक करेंगे, उसके बाद हम कोल्ड देख लेते हैं सब्जी।
प्रोसेस में पानी डालना पड़ेगा, हमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे आलू सही से पक जाए। अब हमारी सब्जी चेक कर लेते हैं एक बार फाइनली, देखिए ये सब्जी, देखिए गाजर भी पक चुकी और ये आलू भी सही पक गए हैं। अब इसमें हम अपना कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं। ये लगभग सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए तैयार, हमारी सब्जी तैयार हो गई है बनके, आलू गाजर की सब्जी कितनी अच्छी।